नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। चारधाम में 12,47,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए। केदारनाथ में स्वर्ण रोहिणी व ध्यान गुफा की बुकिंग जून तक हुई फुल। चारधाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। यात्रा के लिए अब तक हुए पंजीकरण के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। चारों धामों व हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 12,47,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें 4,43,000 से अधिक सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए हैं। इस बार 22 अप्रैल को चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। पर्यटन विभाग ने 21 फरवरी से पंजीकरण शुरू किया है। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में दून के युवक की हुई मौत, घर के बाहर छोड़ा शव, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में आज यानी मंगलवार को एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक देहरादून का ही रहने वाला था। केंद्र संचालन शव घर के बाहर छोड़कर गए। युवक का शव घर के बाहर देखने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी वहां एकत्र हो गए। लोग सड़क जाम करने की जिद पर अड़े रहे। वहीं मौके पर शव उठाने पहुंचे एम्बुलेंस को भी लोगों ने लौटा दिया। तो वहीं परिजनों ने केंद्र संचालकों पर उनके बेटे से मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। रुद्रपुर में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, बुझाने के दौरान 6 लोग झुलसे, अस्पताल में हुए भर्ती। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में आज सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। आग लगने से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। तो वहीं आग बुझाने पहुंचे 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में मकान स्वामी वीरपाल उस समय अपने काम पर गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी सिडगुल में ड्यूटी करने गई हुई थी। वहीं 3 बच्चे स्कूल गए हुए थे। सुबह करीब 9 बजे बंद घर में लोगों ने धुआं निकलता हुआ देखा, तो पड़ोसी ने बाल्टी से पानी लेकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग सिलेंडर तक पहुंच गई और जोरदार धमाका हो गया। धमाका होने से वहां पानी डाल रहे 6 लोग भी झुलस गए, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वित्त मंत्रालय ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। सीएस और ईडी को लिखा पत्र। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग ने खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के शिकायती पत्र पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ विदेशी मुद्रा से जुड़े मामले में मुख्य सचिव और डायरेक्टरेट ईडी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय विधायक उमेश कुमार के यहां हुई छापेमारी से जुड़ा हुआ है। इसमें कई संपत्तियों के कागजात एवं विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी। मामले में राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने भी जांच की थी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।